नमस्कार, चलिए आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि यह किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे डिवीजन का है सिंबल और यहाँ पे है ऑफ। क्या है? डिवीजन और ऑफ। तो हम सबसे पहले बोर्ड मार्क देखते हैं, बी ओ डी एम ए एस। ओके, तो यहाँ ब्रैकेट हमारे पास नहीं है हमारे क्वेश्चन में। ऑफ, ये देखिए ऑफ है, यानी कि ये सबसे पहले हम करेंगे और इसको डिवीजन, इसको सेकंड में करेंगे। सबसे पहले हम किस काम को करेंगे? ऑफ को करेंगे, फिर हम डिवीजन को करेंगे। तो चलिए हमने फर्स्ट स्टेप में, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, इस यहाँ पे कोई काम नहीं करेंगे, हम यहाँ डिवीजन का काम नहीं करेंगे। 1.2 यहाँ पे आप देखिए, ये डेसिमल में है तो आपको डेसिमल में सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में चले जाइए। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम फ्रैक्शन फॉर्म? 0.5 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे करते हैं? 5/10। और ये ऑफ, ऑफ होता है, ऑफ का मतलब होता है कि मल्टीप्लीकेशन। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल दे देते हैं और यहाँ 1.5, तो हम यहाँ 15/10, इसे भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में बना दिए। अब देखिए, अब इन दोनों को पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे। तो हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? 1.2 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ देखिए इन दोनों को जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करना रहता है। अगर आपका डिवीजन हो रहा है, अगर डिवीजन होता है तो कर भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये भी कर सकते हैं, 5 × 2, यहाँ पे 5 से 2 ओवर डिवाइड हो गया। और यहाँ पे ये 10 में हम 5 से अगर दोनों में डिवाइड करते हैं तो 5 × 2 और ये 5 × 3। ओके, तो हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे यहाँ से न्यूमरेटर में 3 बचा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 × 2 यानी कि 4 बचा। क्या बचा? 4। इसको करना सिखाया है। कैसे करना है? यहाँ पे यहाँ 1.2 है, तो डेसिमल के बाद जितने जितने नंबर्स हैं उतने आप उतने 10 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब यहाँ हम डेसिमल को हटाते हैं और क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और 1 के साथ डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने 0 आप डाल दीजिए। तो यहाँ 1 है तो 1 हो गया। तो यहाँ देखिए हम 12/10, और ये हमने आपको बताया है कि डिवीजन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ले जाएंगे। तो हम इसे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ले आए और यहाँ ये जब ये मल्टीप्लाई का यहाँ पे सिंबल आएगा, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ले जाएंगे। तो जो ये डिविडेंट डिवाइजर है, जो ये डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंट है। तो डिवाइजर क्या होता है? ये डिवाइजर जो होता है वो अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेता है। मतलब क्या करता है, ये 4 है, ये जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में। तो 4/3 हो गया। ओके, अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है, 3/4 हो गया। और हमारा डिवाइड कुछ होगा, हाँ होगा, यहाँ देखिए यहाँ 2 से हम 2 हो गया और ये हमारा 5। ओके, 5 और ये 2 गया। तो अब हमारा डिवाइड नहीं होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 2 = 8 और यहाँ पे हमारा 5। अब आप डिवाइड कर देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, डेसिमल फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसे क्या करेंगे सॉल्व, इसे हम आंसर जो लिखेंगे, यह देखिए ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं या फिर इसे जब डेसिमल है तो डेसिमल में इसका आंसर लिखेंगे। तो आप डेसिमल में कैसे आंसर लिखेंगे? तो ये हमारा क्या है, डिवाइजर है या डिनोमिनेटर है। तो इसमें हम 5 से इसे डिवाइड कर देते हैं, 5 × 1 = 5, यहाँ देखिए आप माइनस करिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 3। 8 में से 5 माइनस हुआ तो 3 हुआ। अब हमारा डिवीजन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम
इसके देखिए यहाँ होल होल नंबर पे डिवीजन हो गया। अब हमारे पास 3 बचे हैं और 5 पार्ट करने हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम उसके टुकड़े टुकड़े करेंगे और जहाँ से टुकड़ा शुरू होता है वहाँ से होता है फ्रैक्शन फॉर्म, वहाँ से। और फ्रैक्शन फॉर्म का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, या फिर फ्रैक्शन फॉर्म से आगे बढ़ते हैं तो हम उसे डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पॉइंट दे दिए, डेसिमल में यूज कर रहे हैं, और जब डेसिमल आता है तो इसके साथ ये अपने साथ है जीरो लेके रहता है, ठीक है। तो ये इसको जीरो कर दिया, मतलब थ्री को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो वो हो गया 30। और अब 5 से 5 के टेबल में आप देखिए तो 5 6 क्या हो गया 30, तो हमारा हो गया 30। और हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा 1.6 हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया 1.6। तो इस प्रकार आप बोर्ड मास्टर्स का यूज करते हुए आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर